हमारे पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति कब हुई, आइए इस वीडियो में जानते हैं। धरती पर पानी की उत्पत्ति 4 अरब साल पहले हुई थी। मानव जीवन की बुनियादी जरूरतों में से पानी इस ग्रह पर कैसे पहुंचा और कैसे बना, यह सवाल सदियों से अबूझ पहले की तरह बना हुआ था, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब इसका जवाब ढूंढ लिया है। पहले उनके लिए इनका जवाब ढूंढ पाना आसान नहीं था। ये प्रश्न उनके लिए लंबे समय से रहस्य बना हुआ था, लेकिन अब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक ने इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने की ओर कदम बढ़ाया है। आइए जानते हैं धरती पर पानी कहां से आया है। पानी कहां से आया है, वैज्ञानिकों ने इस विषय पर नया शोध किया है, जिससे इस रहस्य का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन कई अहम सवालों के जवाब जरूर मिले हैं। ऐसे में क्या कहती है वैज्ञानिकों की नई थ्योरी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल कुछ समय पहले कहा गया था कि सौर मंडल से आए एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों के जरिए धरती पर पानी पहुंचा था, यानी कि एस्टेरॉयड के मुताबिक पृथ्वी पर पानी आया था। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि चूंकि पृथ्वी का निर्माण सूखी चट्टानों से हुआ है, यह तथ्य बताता है कि धरती पर पानी ग्रहों के निर्माण के बाद हुआ है, यानी कि जब ग्रह बन गया उसके बाद पृथ्वी पर पानी का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के, यानी कि वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती के आंतरिक हिस्से, यानी कि ऊपर के हिस्से को मेंटल और नीचे के हिस्से को मेंटल कहते हैं, इनकी स्टडी से यह मालूम चलेगा कि यहाँ पानी का निर्माण कैसे हुआ था। इसके अलावा इस अध्ययन की मदद से दूसरे ग्रहों की स्टडी संभव हो सकेगी, जिससे वहाँ भी पानी की संभावना की तलाश वैज्ञानिक लोग कर सकें। कैसे बना जल, आइए जानते हैं। कुछ न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, डेली मेल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि पृथ्वी के निर्माण के अंतिम 15% हिस्से जब बचा था तो उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी और जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ शामिल हो गए। शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी रिसर्च के परिणाम धरती के निर्माण से जुड़ी पहेली को भी सुलझाने का काम करेंगे। इस प्रोसेस की स्टडी का एक तरीका पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म मैग्मा की जाँच करना, हालांकि इस सीधे तौर पर पृथ्वी की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। मैग्मा का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी की परतें और संरचना की हर परत में मौजूद चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पृथ्वी का निर्माण तुरंत नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ साथ अलग सामग्रियों के संयोजन होने से इस ग्रह का विकास हुआ। इस शोध में धरती की गहराई में पानी समेत अन्य तत्वों का पता लगाया है। शोध के अगले चरण में, यानी कि अब शोध का जो है ना नेक्स्ट चरण में, पृथ्वी समेत सौर मंडल के अन्य चट्टानी ग्रहों का निर्माण का पता लगाया जा सकेगा। शोध टीम का कहना है कि यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी वाली दुनिया ही संभवतः जीवन की खोज की सबसे अच्छी जगह होती है। जापानी वैज्ञानिकों ने दी थी अपनी यह थ्योरी, आइए जानते हैं उन्होंने क्या थ्योरी दी थी। करीब 6 साल पहले जापान के वैज्ञानिकों ने कहा था कि वाष्पशील और कार्बनिक तत्वों से भरपूर सी टाइप के एस्टेरॉयड शायद पृथ्वी पर पानी के मुख्य स्रोत रहे होंगे, लेकिन पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों और पानी यानी वाष्पशील क्षुद्र ग्रहों तक यहाँ से पहुँचा, यानी कि शुद्ध ग्रह से ही पानी यहाँ तक पृथ्वी तक पहुँचा है, अब भी बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस सवाल का सही और सर्वमान्य जवाब हमें मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी कि पानी हमारे बीच कहाँ से आया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।